जब अपना जेब भरा रहेगा तब तो हम लोग दूसरा का सोचेंगे ना। तो ये जो भी YouTube से या फिर रील से इनकम बनता है तो ये कंबल बांटते, खाना बांटते फूड ब्लॉगर भैया बताइए। खाना बहुत अच्छा बना है, चिकन मिल गया तो खुश हो गए हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को जोहार। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रेडी हूँ और मुझे कहीं जाना है एक मीटअप में। तो ट्राइबल फेस्ट फिर से होने वाला है 2023 में, तो आज उसी का सारे क्रिएटर्स मीटअप है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ का सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। और इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले वर्ष 12 और 13 नवंबर 2022 को मोराबादी स्थित दीक्षांत मंडप में ट्राइबल यूथ फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था। एक बहुत ही बड़ा एक ग्रैंड सक्सेस कार्यक्रम था, जहाँ पर दो दिन के कार्यक्रम में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था और उसके साथ जो हमारे आदिवासी लोग व्यापार के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं उनके लिए स्टॉल भी था। तो एक ग्रैंड सक्सेस कार्यक्रम था जहां पर दो दिन में लगभग 20,000 से 30,000 लोग शामिल हुए थे। तो पिछली वर्ष की तरह इस बार भी हम लोग 26 और 27 नवंबर को हम लोग ट्राइबल यूथ फेस्ट फिर से आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग आज बैठने का मकसद यही है कि जो विभिन्न क्षेत्र से यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए और इस कार्यक्रम के बारे में बताए। और हमारे जो मीडिया बंधु भी हैं उनसे हमारे कनेक्ट होगा आपस में। थोड़ी देर में हमारे बीच में आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में आने वाली है, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी, वो रास्ते में 10-15 मिनट में आने वाली है। तो तब तक हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और एक एक करके हम अपने पिछले बार जो कोर कमेटी के सभी सदस्य को एक बार हम स्टेज पे बुलाना चाहते हैं और सबका मैं एक बार मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो जो भी पिछले बार के जो कोर कमेटी सदस्य थे सब लोग एक एक करके स्टेज में आएंगे। आप लोग हमारे बीच हमारे साइड से सबसे दाहिने साइड से नीलम बिरूली जी हुई, हमारे भाई हेमंत हेम्ब्रम जी हुए, ये भी बहुत सक्रिय सदस्य हैं। हमारे बड़े भाई अनिल अमिताभ पन्ना, हमारे युवा प्रोफेसर और आंदोलनकारी भाई प्रतीत कच्छप, सभी को जोहार। टोंको से हमारे साथी विनोद कच्छप हुए, सबको जोहार। हमारे बीच अजीत लकड़ा जी हैं, ये बहुत सोशली एक्टिव हैं और अभी रांची नगर निगम के मेयर का चुनाव और उसका भी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे इस बार के जो ट्राइबल यूथ फेस्ट हो रहा है तो हम लोग इन्हीं की अध्यक्षता में इस बार कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां भी इनके लिए बजा दीजिए। फिर हमारे बीच में भाई बरियातु से है अभिषेक तिर्की, सभी को जोहार। फिर हमारे बीच में भाई है गोविंद टोको, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे भी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे समाज का जो अभी एक तरह से कह लीजिए युवा पीढ़ी जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक चेहरा है या झारखंड का एक चेहरा है सोशल मीडिया के जरिए पूरे दुनिया के लिए, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे मीडिया के बड़े भाई, हमारे साथीगण सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ कि आप लोगों की बदौलत पिछले साल हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को संपन्न किया था और जो तकरीबन हमारा लक्ष्य था कम से कम इस राज्य भर में एक मैसेज जाए वो हमारा पूरा हो पाया था। ये पूरी टीम जो देख रहे हैं आप, दिन रात इन्होंने सबने मेहनत भरपूर मेहनत किया था और हम सबने मिलकर उस प्रोग्राम को सबके सहयोग से बहुत बेहतरीन बनाया था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि इस प्रोग्राम को हम लोग और बृहद तौर पर करें ताकि राज्य से और आगे निकल कर हम लोग इस बार पूरे देश तक इस मैसेज को भेज सके कि आदिवासियों का या झारखंड के यहाँ के मूलवासियों का, यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, भाषा, संस्कृति ये भी बहुत विशिष्ट है, बहुत अनूठी है और इसको हम लोग बड़े मंच पे बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हुए इस चीज को और बेहतर एक तरह से रांची से यहाँ तक आसाम तक उनका इतना अच्छा संपर्क है कि वहाँ के लोग भी इनको जानते हैं और वो कोऑर्डिनेट करते हैं और हम लोग को सहयोग करते हैं कार्यक्रम में। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अभी हमारे जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा व्यस्त है।
तो आगे का कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए लाएंगे और आगे का कार्यक्रम को संचालित करेंगे। सभी को जोहार। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो पिछले बार जो इवेंट हुआ था और मीडिया सोशल मीडिया जो तालमेल बनाई थी उसके वजह से प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा हुआ था और लोग भी बहुत आए थे। इतना ज़्यादा लोग आए थे कि लास्ट में हम लोग के पास टिकट ही खत्म हो गया था, सबका प्री एंट्री करना पड़ गया था। तो वैसा ही इस बार हम कुछ किया जाए तो आप लोग सहयोग दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे पहले तो मैं अपना ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर सबके साथ में एक दूसरे से रूबरू हो जाएंगे। तो मेरा नाम अमन कच्छप है और स्टेज नेम मेरा एक्सेल लाइफ है। मैं नागपुरी ब्लॉगिंग करता हूँ, साथ ही साथ रैपिंग भी करता हूँ, डांस भी करता हूँ। और अपने जो लोग हैं आदिवासी लोग या फिर जो अन्य युवा हैं उनको प्रेरित करता हूँ कि आप आगे आके झारखंड के बारे में कुछ सोचें, कुछ करें। तो हम लोग चालू करते हैं यहाँ से। दादा आप इंट्रोडक्शन दे दें एक बार। स्टेज में जाते जो हर सभी को, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं झारखंड के खाने को एक्सप्लोर करता हूँ, साथ ही झारखंड में जो हमारे पर्व त्यौहार हैं उन सारी चीज़ों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। मेरा नाम है कि मैं एक नागपुरी सिंगर हूँ, साथ ही रिसेंटली मैंने अभी एक झारखंडी पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। पॉडकास्ट चैनल पे जो मैं यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट कर रही हूँ और उनसे जुड़ी बातें लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और पिछले साल हम इस फेस्ट में बहुत अच्छा मेरा भागीदारी रहा था और इस बार भी हमको इस चीज में इंक्लूड करने के लिए सभी को थैंक यू। और हम मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वाति पाटिल को स्वाति पाटिल लेकर आए जिसमें कि हम अपने ट्रेडिशन को शो करते हैं। आजकल के जितने भी यूथ हैं रोपा भी कर रही है तो मॉल में जाके वहाँ फैशन भी दिखा रहे हैं। वैसा नहीं है कि अगर एक ही चीज़ में अगर हम लोग पिछड़े रह जाएंगे, अगर दोनों को बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो वो उनका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही आज आगे मेरा नाम है, जैसे कि हमारी दोस्त का एक ग्रुप है जैसे कि बताइए क्या ना, तो ऐसा होता है ना कि जब अपना जेब भरा रहेगा तब तो हम लोग दूसरा का सोचेंगे ना। तो ये जो भी YouTube से या फिर रील से इनकम बनता है तो ये कंबल बांटती, खाना बांटती, लोगों का सोचती है और ये बहुत बड़ी बात है। इसको हम बहुत पहले से जान रहे हैं, ये ऐसा हालात ही नहीं है पर अभी पता नहीं क्या हो गया इसको। आज जब हम कॉलेज में थे तो बहुत अच्छा डांस करती थी, तो उस टाइम पे क्या था ना कि जैसे लोग करते ना मॉडर्न डांस, बस उसको ही लोग देखना पसंद करते थे। लेकिन ये मतलब फ्यूजन करती है मॉडर्न के साथ साथ अपना जो कल्चर है उसको भी दिखाती है लोगों के सामने, तो वो एक बैलेंस बन जाता था, लोगों को देखने में कुछ अलग लगता है। बहुत सही एक प्लेटफॉर्म है और हमको बहुत अपॉर्चुनिटी जैसा देखते हैं इस चीज़ को कि हाँ हम ज़्यादातर लोगों के सामने अपने आर्ट को रख सकते हैं। तो थैंक यू इस चीज़ में बुलाने के लिए। मेरे लैंड से है बिरसा मुंडा, हक की लड़ाई के लिए गवा डाले जान,
कुर्बान तुम देश के लिए तुम्हें झुक के सलाम तुम उछा कर के शान दैट्स इट अभी बाद में सो एक अर्बन मंकी है कंपनी है क्लोथिंग कंपनी है तो वो भाई को स्पॉन्सर करता है और वो सब लोगों को जोहार और ट्राइबल यूथ फेस्टिवल इस बार होने वाला है डेफिनेटली हम लोग सब लोग मिलके इसको आप कोशिश करेंगे कि जितना हाइप दे सके और ये सबसे एक बहुत अच्छी बात है कि मीडिया लोगों को बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं बट अभी जो हमारे यूथ है जो बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर लोग आप लोग एकदम हैट्स ऑफ है मेरे साइड से क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और आप लोगों की वजह से भी आज कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है हमारा जो ट्राइब का कल्चर है वो ना सारी दुनिया को दिख रहा है तो इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद थैंक यू इसी तरह से बहुत अच्छी कोशिश है ये और ऐसी कोशिशें होनी चाहिए इसलिए होनी चाहिए कि ब्रांड वैल्यू बहुत जरूरी है लिट्टी चोखा को ब्रांड बनाना जबकि हमारे यहाँ कई समय से भैया खाया जाता है धूस का झारखंड के बाहर जाइए रांची से बाहर चले जाइए तो आपको धूसका नहीं मिलता कौन कहता है कि धूसका के साथ आलू का सब्जी खाया जाता है हम लोग तो ऐसा ही पास ही धूसका चेप देते हैं भाई भोरे भोरे हैं भास्की धूसका धुतुआ हमारे यहाँ धुतुआ बनता है पता नहीं खोलंगा जिसको कहते हैं सकुआ का पत्ता में लपेट कर खाया जाता है रांची गुमला के आसपास के लोग तो हम लोग जानते होंगे बाकी हैं हाँ धुपड़े अलग अलग नाम से जाने भाई उससे स्वादिष्ट कोई चीज होती है क्या नहीं लेकिन हम लोगों ने उसको ब्रांड नहीं तो ब्रांडाइजेशन कैसे आएगा वो ब्रांडाइजेशन ऐसे यूथ फेस्टिवल इस तरीके के होंगे हम लोग बताएंगे अपन भाषा में हमें बोला तब जाके एक ब्रांडाइजेशन एकदम ब्रांडाइजेशन हो ठीक है तो भाई हमारा मीडिया का बहुत सारे दोस्त लोग आए हुए हैं मीडिया के बंधुओं में बहुत बड़ी भूमिका है जैसे आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे ही हमारे मिट्टी के पत्रकार लोग भी हैं किस तरह से उनके गाँव घर और आस पास के लोगों ने उन्हें पहचाना जाना हालांकि पहले से जान पहचान उनकी सब लोग जानते थे लेकिन जैसा की अभिषेक भाई ने कहा कि हर चीज का एक ब्रांड वैल्यू होता है और उस ब्रांड के जरिए आप आगे बढ़ते थे तो फिर आपका नाम बहुत ज़्यादा तारीफ हो जाता अभी नीतीश भाई जो फूड ब्लॉगर के रूप में परिचय दे रहे थे अभी दिल्ली में इनका शूटिंग हुआ है जो स्टॉक जिस चैनल पर हर कोई चाहता है कि वो जाके इंटरव्यू दे अपनी कहानी खुद से बतानी होती है कोई पूछता नहीं तो झारखंड की एक पहचान अलग धीरे धीरे बन रही है और मुझे लगता है कि देखिए सोशल मीडिया आने के बाद पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ आज जितने लोग बैठे हैं उनको इन्फ्लुएंसर सब दिया गया अगर आप सोचिए कि नेशनल चैनल रहता आज तक क्या इनको कभी मौका मिल पा नहीं मिला तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और हर जाति वर्ग समुदाय समुदाय के लोग जो है अब आगे आ गए आप समझिए कि झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है पिछड़ा राज्य है अभी आप देख रहे होंगे अगर इसको पॉलिटिकल इलेक्शन से जोड़ के देखिए राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अचानक से पूछ लिया कि बताइए यहाँ पर जितने पत्रकार बैठे हैं उसमें कितने SC ST OBC तो एक भी लोग जो है आँख खा नहीं करता लेकिन इसी झारखंड से देखिए सुनीता जैसी लड़की जो है लगातार रिपोर्टिंग कर रही है आदिवासी तो अपनी पहचान खुद से आगे बढ़कर आपको बतानी होगी और तब जो है आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और धीरे 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 तो फिलहाल जैसे उन्होंने कहा कि आज
आदिवासी का तो इस फील्ड में आना लगभग नामुमकिन सा लगता है और खासकर एक महिला का आना और ज़्यादा मुश्किल है। मैं भी जब आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं 6 महीने कैमरे के पीछे रही, मैंने सीखा कि कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे आप किसी खबर को बोल सकते हैं वगैरह वगैरह। मैंने देखा, मैंने सनी सर के सारे वीडियो देखे होंगे लगभग। अभी जब भी मैं बैठती हूँ ना अपने ऑफिस में तो मैं सनी सर के वीडियो ज़रूर देखती हूँ। मुझे ऑफिस में बोलता है तुम सनी सर का ही देखते रहते हो। तो मैं अपने सीनियर से पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं सीखूँ। और तो एक छोटा सा रैप लिखे थे अपना बस्ती के ऊपर, या इसको हम बस्ती एंथम बोलते थे। तो कुछ और पानी जरे जैसे सीख के झारखंड की मिट्टी मोर आदिवासी खून मेहनत कर खाला से लेकर फिल्म में घर में बैठ कर सिर्फ लिखते थे। रेलवे स्टेशन पे मजा आ रहा था इसलिए बहुत सुना मोमेंट है। नहीं, अब है मेरी बारी, रेडी फॉर द फाइट। मैंने करी है तैयारी, मेरे साथ मेरे भाई लोग, सेम टीम सेम गैंग। बहुत हार्ड नहीं बाबा बोले बहुत भारी, थूके माइक पे नहीं करे तेरी आस। रांची के लौंडा से लड़ो मिले लाश, सीधे गोल मारे करे नहीं पास। JH01 की जाने इतिहास है कैसे एन वर्ड माना। मिलो कभी रांचिया के पवेला के जना, डैडी मनी लेके खाली ऑनलाइन रहे टना। छेला नहीं दर्द तो फिर मर्द कैसे बना। मेरे लैंड से है फिर सा मुंडा, हक की लड़ाई के लिए गवा डाले जान। कुर्बान हुए देश के लिए, तुम्हें झुक के सलाम, तुम हो झारखंड के शान। नक्सली नक्सली कुछ बोलो तो कहो ना नक्सली, हक मांगो तो कहो ना नक्सली, जान ले के कहो ना नक्सली, सांस ले दे तो कहो ना नक्सली। हाँ नक्सली नक्सली, हक कर बात मांगे नहीं मिलेगा, जनता का सेवा से सफलता मिलेगा। वोट नहीं तो वोट नहीं, माए कसम ब्लैक वोट नहीं। सिद्धू कानू चांद भैरव वीर ताना भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं कलम से आगे बढ़त। सिद्धू कानू चांद भैरव वीर ताना भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं कलम से आगे बढ़त। मैं लड़त मरत गिरत उठ आगे बढ़त, माए माटी से मिलकर कभी नहीं छोड़त। PFGF में मेहनत कर शर्मा माए कसम बोल बोले छुट बोल नक्सली नक्सली। इस वर्ष का हमारा यही पोस्टर है। आप सभी स्कूल से अपील करेंगे कि 26 और 27 नवंबर 2023 को सभी लोग भारी से भारी संख्या में आए और इस फेस्ट का आनंद लें। इसमें पिछले बार की तरह इस बार भी बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम होगा। कल्चरल के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो लोग भी, लोकल आर्टिस्ट सारे लोग परफॉर्म करेंगे और साथ में यहाँ फूड स्टॉल भी पिछले बार की तरह रहेंगे। लगभग 80 की संख्या में पिछले बार फूड स्टॉल थे, इस बार भी हम लोग लगभग 80 की संख्या में रहेंगे, जहाँ पर आप लोग आदिवासी जो व्यंजन है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। ट्राइबल फेस्ट 2023 का पोस्टर लॉन्च हो चुका है, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा फोटोग्राफी शूट हो रहा है पोस्टर के लॉन्च का। तो अभी हम लोग सब कोई जा रहे हैं बाहर इंटरव्यू सेशन के लिए, बाकी सारे ब्लॉगर हैं इंस्टाग्राम अंदर बाहर चले गए हैं। कुछ तो हमको यहाँ पे मिल गए हैं, यहाँ पे अविनीश दादा मिल गए हैं जो हाँ हम लोग को मिल गया है यहाँ पे पोस्टर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तभी हम लॉन्च करेंगे। तो ये जो ट्राइबल यूथ फेस्ट होने जा रहा है 2023 जो कि 26 से 27 नवंबर को होगा, तो ये इसलिए हो रहा है बेसिकली यहाँ झारखंड के कल्चर ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अभी भी पूरे इंडिया में बहुत से लोग अननोन है झारखंडी कल्चर से ट्रेडिशन से। तो मेन इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये यूथ फेस्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ झारखंड भी लोग हमारे कल्चर को जाने, क्योंकि ट्राइबल का एक होता है कि जिस जहाँ से हम जुड़े हैं हम कभी भी अपने रूट को ना भूलें। तो इसलिए ये फेस्ट किया जा रहा है कि लोग बाहर भी जाने इस चीज़ तो मान लीजिए किसी को आपको ब्लॉग देखना हो, मतलब जो आप कंटेंट बनाती है आपका पेज कौन सा ये भी बता दीजिए लोगों को। वीडियो बहुत बढ़िया चलिए।
को जा रहे हैं लंच करने के लिए। आधे लोग स्टार्ट भी करते हैं वहाँ पे लंच करना, तो चलते हैं। मुझे हर बार कोई ना कोई छोड़ छोड़ के खाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए स्वाति दी और नीतीश भैया छोड़ छोड़ के खाना स्टार्ट कर दिए हैं। फूड ब्लॉगर भैया बताइए खाना बहुत अच्छा बना है, चिकन मिल गया तो खुश हो गए हम। आ गया है हम लोगों का खाना। और ऐसा हम लोगों को देख के लग रहा है कि जनवरी आया नहीं है, सारे कोई पिकनिक का मजा ले रहे हैं, सबको पिकनिक का मजा ले रहे हैं। इधर देखिए ना सारे कोई बैठे हुए एक साथ। नीतीश दा नीतीश भैया पिकनिक ना जाएगा नहीं तो पिकनिक में ही अभी। तो फाइनली आज के मीटअप का जो भी मकसद था, जो ट्राइबल यूथ फेस्ट होने वाला है 26 और 27 नवंबर को, तो उसका पोस्टर लॉन्च था और ये पोस्टर लॉन्च हो चुका है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।